नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं और भी कई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सरल और आसान प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए वैसे तो हर राज्य की अलग अलग वेबसाइट होती है जहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है CRS पोर्टल, जहां से आप बड़े ही आसानी से कहीं का भी जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है आपका CRS पोर्टल, और CRS पोर्टल से बड़ी ही आसानी से जो है आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। फ्रेंड, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आप यहां से डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे इस पोर्टल के कुछ नियम है, यानी कि अगर आप यहां से बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करवाना चाहते हैं तो यह जन्म के या मृत्यु के 21 दिन के अंदर ही आपको यहां पे आवेदन करना होता है। अगर आप इसके बाद यहां पे आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपकी ये सारी प्रक्रिया फॉलो होती है तो आप किस प्रकार से यहाँ पे आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, आवेदन करने के लिए आप CSE सेंटर से लॉगिन भी कर सकते हैं, और साथ में अगर आप खुद का सिटीजन पोर्टल लॉगिन करना चाहते हैं और अपने हाथों से खुद से यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। फ्रेंड्स, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आपको जनरल पब्लिक साइनअप पे क्लिक करना है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक यूजर नेम भरना है, एक ईमेल आईडी भरनी है, एक मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वो डेट डालनी है जिस डेट को ये इवेंट हुआ था, जैसे कि यहाँ पे डेथ हुई थी या फिर बर्थ हुई थी, वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका स्टेट आएगा, क्योंकि ये सर्विस ऑल इंडिया के लिए है, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुनना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे विलेज, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन यूनिट, वो आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपके इस ईमेल आईडी के अंदर एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड भेजा जाता है, तो आपको उस लिंक को वेरीफाई करा के वहां से जो है अपना एक पासवर्ड बनाना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से वो आपके ईमेल आईडी पे लिंक जाता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पाएंगे, रजिस्टर करने के बाद आपके लिए इस प्रकार से ईमेल आएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए आपकी लॉगिन आईडी ऊपर लिखी हुई है, और फ्रेंड्स यहां पे देखिए आपको क्लिक हियर करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। फ्रेंड देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए, अभी जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक यूजर आईडी मांगी जाएगी, वहां पे आपको इस यूजर आईडी को डालना होगा। आप इस ऊपर वाली यूजर आईडी को बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डालते हैं तो ये आपका वहां पे नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप इस यूजर आईडी को वहां पे डालें और अपना पासवर्ड सेट करें। सो फ्रेंड, पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे वो यूजर आईडी डालना है, और जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है, और कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन करना है। तो चलिए फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन हम भरते हैं और लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार से ये जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिल जाएगा बर्थ, तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे आप बर्थ पे अपना जो है माउस ले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है एड बर्थ रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन अंडर सबमिशन, और तीसरा ऑप्शन है रिजेक्ट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एड बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, जहां से आप नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके सामने इस प्रकार से यह जो है आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी भाषा सिलेक्ट करनी होगी, तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, तो आप सेकेंडरी लैंग्वेज में कुछ भी यहाँ पे चुन सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर देना है। मान लीजिए अगर आपने कोई ऑफलाइन फॉर्म भर रखा है या फिर इसका कोई प्रारूप आपने भर रखा है तो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे रिपोर्टिंग दिनांक, किस तारीख को आप ये जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो किस तारीख को आपके पास ये जो है रिपोर्ट आई है, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है और डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, और फ्रेंड ध्यान रखें यहाँ पे जानकारी सही सही भरें। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जन्म तिथि डालें, क्या डेट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जेंडर चुनें, उसके बाद पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम डालें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको जो है उसका जो EID नंबर होता है तो डाल दीजिए, आधार नंबर है तो भी यहाँ पे डाल दीजिए। फ्रेंड्स आप ध्यान रखें यहाँ पे जो है आपको बच्चे की सूचना भरनी है, इस बात का आपको बेहद ही ध्यान देना है। फ्रेंड में से जो भी जानकारी है वो आप डालेंगे, और जन नहीं है उसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रेंड इस पे किसी पे भी स्टार मार्क नहीं है। इसके बाद फ्रेंड नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का स्थान क्या है वो आपको बताना है, और यहाँ पे कंप्लीटली उसका पूरा एड्रेस भरना है। जैसे देखिए बिल्डिंग संख्या, लोकेलिटी डाकघर, हाउस नंबर, राज्य, ठीक है, स्ट्रीट, गली, जिला, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी है और नीचे आना है। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो बच्चा का पिता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है, उनका पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स महिला जो माता है उनका नाम आपको यहाँ पे भरना है। तो ऐसे ही सारी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जान के आपको नीचे आना है। इसके बाद देखिए आपको देना है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि जो है जन्म कहाँ हुआ था उस टाइम पे उनका जो एड्रेस था वो एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा भरना होगा। तो फ्रेंड वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चले आना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए अब आपको यहाँ पे जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी कि जो उनके माता पिता है उनका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे भर देना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे चेकमार्क लगाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सूचनादाता सूचना कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो उसका विवरण आपको यहाँ पे भरना है पिन कोड के साथ, और आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे सेव कर देते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जाती है और आपका सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड जैसे ही स्टार्ट हो जाती है तो अब आप उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ऊपर आना है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है वर्थ एप्लीकेशन अंडर सबमिशन पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके आवेदन की सारी स्थिति दिखाई देती है कि कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ है, कहाँ पे पेंडिंग है, तो वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको नीचे वो आवेदन दिखाया जाएगा। सो फ्रेंड इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से इस पोर्टल से आप जो है वर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।